अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। बेटा कैसे हैं सब बच्चे? ठीक हैं, आई होप सब ठीक ही होंगे। बेटा आज का जो हमारा 11th लेक्चर है मैथ का है, क्लास वन का, और डेट है हमारी 5 जून है, क्लास वर्क है, और डे हमारा सैटरडे है। इंशाल्लाह ताला मंडे से सब बच्चे आ जाएंगे, तो हमारा ये जो लास्ट लेक्चर है ये सब बच्चों ने यहाँ तक वर्क करके आना है। तो इसमें जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें है बिफोर नंबर्स, आफ्टर नंबर्स एंड बिटवीन नंबर्स। बिफ़ोर होता है कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाएँ, तो उसे बिफ़ोर क्या आता है, पीछे क्या आता है, पहले क्या आता है। आफ्टर होता है कि उससे अगला नंबर क्या है, ओके। और बिटवीन ऐसे होता है कि दो नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, उसके दरमियान में कौन सा नंबर आ रहा है, ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिफ़ोर आफ्टर बिटवीन। ये नंबर नेम जब मैं करवा रही थी तो उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे ये 49 लिख रहे हैं, 49 से बिफ़ोर क्या आ रहा है और 49 से नेक्स्ट मतलब आफ्टर क्या आ रहा है, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, साथ साथ बच्चों को बताया था। अब कुछ नंबर्स राइट कर देती हूँ मैं ताकि आपको बिफोर आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट पता चल जाए। बिफोर में हमने पहले वाला इससे पीछे वाला नंबर राइट करना है। कुछ नंबर्स मैं राइट कर रही हूँ, जैसे ये 44, ओके। 44 से पीछे क्या आता है, 19 से पीछे क्या आता है, 28। पहले स्मॉल नंबर्स मैं कर रही हूँ 28, अब बड़े नंबर्स की तरफ आ रही हूँ 69, और फिर आ रहा है 57, अब इसमें आ रहा है 80। 80 से बैक हम आएंगे इसमें, अब हम कोई 70 की लाइन में ले लेते हैं, 70 से बैक क्या आ रहा है, ओके। इस तरह 61 से और 100 से पहले क्या आ रहा है, ओके। ये नंबर जब मैंने राइट कर दिए हैं इस तरह। पहले मैं आपको बिफोर समझाऊंगी, बिफोर नंबर्स क्या है, इससे मतलब पीछे वाले नंबर्स। 44 मतलब ये वाले जो नंबर्स हैं ये बाद में आएंगे, इससे पीछे वाले हमने पहले लिखने हैं। 44 से पहले क्या आ रहा है, 44, ओके। इनके टेंस हम नहीं देखेंगे, इनके वंस देखने होते हैं। 44 से पहले 43, ओके। 43 आपने राइट करना है। इसमें मैं अब आपको और बताती हूँ जी। तो अब देखें 44 से बिफोर आ गया 43, और अब है 19। 19 से पहले कौन सा नंबर आता है, 19 से पहले क्या आता है, 19 से पहले 18 और 19, ये देखें। फिर 28 से पहले क्या आएगा, 27। 69 से पहले क्या आता है, 68, ओके। 57 से बिफोर पहले को कहते हैं 57। 7 से पहले क्या आएगा, 56, ओके। 80, ये ज़ीरो वाले जो नंबर्स होते हैं उससे पीछे सारी जो लाइन होती है पिछले नंबर की चल रही होती है। जैसे यहाँ 8 है तो 7 वाली सारी लाइन चल रही है, ठीक है। 7 जैसे जैसे हम करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 आता है ना, इसलिए इससे पीछे एक नंबर पीछे और 9 का नंबर आएगा 79। 70 की सारी लाइन पढ़ेंगे, 71 से 78 79 फिर 80 आएगा, ओके। इसी तरह ये 70 नंबर जो है, 70 से पीछे 6 वाली लाइन 69, ओके। अब 61 से पीछे 60 आता है तो 61। 100 से पहले क्या आता है, 99, यस। आप सब बच्चों को माशाल्लाह से पता है, साथ में रीड कर रहे हैं बच्चे में। अब ये हो गए हमारे बिफोर नंबर्स, आपको नंबर्स दिए थे, आपने उसे बिफोर नंबर्स राइट करने हैं, ओके। अब आपको नंबर्स मैं दे रही हूँ उसके आफ्टर नंबर्स राइट करने हैं। ये जो वर्क ये हम जो कर रहे हैं पेज नंबर 41 का ये वर्क है सारा। तो अब हम आफ्टर नंबर्स इधर राइट कर रहे हैं, जैसे मैं स्मॉल नंबर से स्टार्ट करती हूँ, 14 के बाद क्या आ रहा है, 28 के बाद क्या आ रहा है, 39 के आफ्टर क्या आता है, 87 से आफ्टर क्या आता है, 45 के बाद क्या आता है, 79 के बाद क्या आता है, ओके। इसी तरह 99 के बाद क्या आता है, 55 के बाद, और
60 के बाद क्या आता है? बिफोर नंबर्स हमने कर लिए, अब हमारी बारी है आफ्टर नंबर्स की, मतलब इस नंबर से नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, बाद वाला नंबर कौन सा आ रहा है। 14 के बाद क्या आता है? ये तो आप बच्चों को आसानी से आ जाएगा, 14 से अगला नंबर बोले भाई 15, यस 15, सब बच्चे बोल रहे हैं कि 15 है टीचर। 28 से आगे 29, यस गुड 29, 39 से आगे देखें 39, 9 पे आके नेक्स्ट नंबर चेंज होते हैं, 39 के बाद क्या आता है 40, 87, 87 से आगे क्या आएगा 88, यस 45, 5 के बाद क्या आता है 46, 79 के बाद क्या आता है 79, फिर क्या आएगा 80, ये 77 की सारी लाइन आके 9 पे एंड हो जाती है 79 की, फिर आगे 8 की लाइन स्टार्ट होती है 80 से, 81, 82, फिर इस तरह 99 के बाद क्या आएगा 100, ओके 55 से आगे 56, यस 56, काउंटिंग आप सब बच्चों को माशाल्लाह से आती है। अब आपको पता होगा कि इस नंबर से 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग के बिफोर कौन से और आफ्टर नंबर्स कौन से हैं। 60 से आगे 61, चलें भाई अब हमारा बिफोर कॉन्सेप्ट भी हो गया टॉपिक, अब हमारा आफ्टर भी हो गया। बिफोर इन नंबर से पहले कौन से नंबर्स आ रहे हैं, आफ्टर इन नंबर्स के बाद में कौन से नंबर्स आ रहे हैं। अब बिटवीन है, दो नंबर्स देंगे आपको, दो नंबर्स गिवन होंगे, आपने उसके दरमियान वाला लिखना है कि कौन सा नंबर आएगा। जैसे मैं ये राइट कर रही हूँ, ये मैं नंबर राइट कर रही हूँ 57, 59, 98, 100, 83, 70. अब ये नंबर्स हैं, इनके बिटवीन नंबर्स राइट करने हैं कि इनके दरमियान में कौन से नंबर्स आ रहे हैं। ओके अब क्या है कि 89 और 11 के दरमियान क्या आता है, तो आप इस तरह करेंगे 9 और 11 के बिटवीन जो नंबर आएगा 9 के बाद रीड करें, 9 फिर क्या आएगा 10, यस 10 और ये 11 हो गया, ओके 9, 10, 11, ये आपके इनका बिटवीन नंबर आ गया। अब 18 के आफ्टर क्या आ रहा है 18, 19, ओके 19, 18, 19, 20 हो गया, यस 35, 36, 37 समय लगे ये आगे। जैसे 49 के बाद क्या आता है 50, 5 की लाइन स्टार्ट हो जाती है 49, 50, 51, 57, 58 और 59, ओके 98, 99, 100, यस 83 के बाद 84, 85, 70, 71, 72, ओके 69 के बाद आ रही है 7 की लाइन 70, 69, 70 और 71। अब ये देख लें बिफोर नंबर्स बार बार कह रही हूँ, इससे पीछे वाला नंबर पहले वाला नंबर बताना है, आफ्टर इनसे अगला नंबर जो नंबर गिवन होगा उससे नेक्स्ट नंबर, बिटवीन जो दो नंबर्स दिए गए होंगे उनके दरमियान वाला नंबर। काउंटिंग आपको 1 से 100 तक अच्छी तरह आनी चाहिए, 1 से 100 तक आपके सारे नंबर नेम्स भी हो गए हैं, ओके प्लस करके भी नंबर नेम करने वाले आ गए हैं आप सबको, आपको वैसे भी जो नंबर नेम आपको स्पेलिंग वगैरह दें तो अब आपके वो भी हो गए हैं। बेटा अब हमारा जो वर्क है वो हमारा बुक साइड से है, वो मैं आपको बुक पे बताती हूँ जी। बेटा अब हमारा बुक साइड पे आ जाए, ये देखें पेज नंबर 41 है हमारा,
पेज नंबर 41। तो कंपेयरिंग नंबर्स अप टू 100, राइट द नंबर दैट कम्स, जो नंबर आ रहा है बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, बिटवीन उनके दरमियान में। अब बिफोर नंबर्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं, आपने तो देखना है कि अगर टेंस वंस सेम हैं दोनों के, टेंस सेम हैं तो उनके वंस देखें के मतलब उससे पहले वाला नंबर आपने राइट करना है। मतलब अब ये देखें 44 से पीछे क्या आएगा, 4 से पीछे 43, ओके। अब जैसे 69, 9 से पहले पीछे क्या आ रहा है, 9, 8 आता है तो फिर 9 आता है 68, 80 से, 80 से पीछे किस नंबर की लाइन है, 80 से पीछे सारे ही नंबर चेंज, मतलब 70 की लाइन आ रही है, 71, 72, 73, फिर 79 के बाद आता है 80, 79, यहाँ पर बच्चों को इसमें मिस्टेक कर जाते होते हैं, 79 फिर आता है 80, ओके। अब इसमें आ रहा है 36 से पीछे नंबर कौन सा है, 35, 28 से पीछे 27, 100 से पीछे 99, ठीक है ना। ये अब काउंटिंग बेटा आप सबको माशाल्लाह से आती है, अब आपको खुद पता होना चाहिए, 19 से पीछे 18 आएगा तो फिर नेक्स्ट नंबर 19 आता है, ठीक है। ये नंबर नेक्स्ट आते हैं, इनसे पीछे वाले नंबर हमने राइट करने हैं। अब जिस तरह ये है 20, अब ये आफ्टर वाले नंबर्स की बारी आ गई। आफ्टर वाले नंबर्स में क्या है कि 23 के बाद क्या आएगा, 24, तो 14, अगला बोले 15, यस, 99 के बाद 100, तो 100 अकेला नहीं बोलना, 100 ही बोलना होता है नंबर। 55 से पीछे 55 से नेक्स्ट नंबर 56, 49 फिर क्या आएगा 50, 12 फिर 13, 87, 88, ओके, फिर 38 से क्या आगे क्या आ रहा है, 39, यस। अब देखें ज़रा, ओके, तो फिर इसी तरह आपके नंबर ये देखें। अब आपके ये यहाँ पर हो गए हैं कि आपने इनके आफ्टर नंबर्स राइट, अभी आपके सारे यहाँ तक हो जाने हैं, 38 के बाद 39, ओके। अब नेक्स्ट है, अब आपका जो है बिटवीन नंबर्स, दो नंबर्स आपको दिए जाएं, आपने उसके दरमियान वाला नंबर राइट करना है, ओके, बिटवीन नंबर्स आपने उसके राइट करने हैं। तो अब देखें 65 के बाद क्या आ रहा है, 66, फिर 67, ओके। अब 19 के बाद क्या आता है, 20, फिर 21, ओके, 70, 71, 72, 38, 39, 40, ओके, 98, 99, 100, काउंटिंग तो बात ही है सब बच्चों को माशाल्लाह से। तो इसी तरह आपने इसने प्रॉपरली आपने इसने इन्हें रीड करके आपने इतने नंबर्स राइट कर देने हैं। अब नेक्स्ट ये इस तरह आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिफोर नंबर्स कौन से हैं, आफ्टर नंबर्स कौन से हैं, और बिटवीन नंबर्स कौन से हैं। बिफोर इन नंबर्स से पहले वाले नंबर्स, आफ्टर इन नंबर्स के बाद वाले नंबर्स, बिटवीन इन नंबर्स के दरमियान वाले नंबर्स हैं। और इस तरह के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चों को सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और ये जो नंबर नेम्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता होना चाहिए इन कॉन्सेप्ट्स का। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, टिक द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर को, बिगेस्ट नंबर एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर क्या है, आपको बिगेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट ये देना है, कुछ नंबर्स आपको दिए होंगे, काफ़ी सारे नंबर्स दिए, उन सब में से जो बड़ा नंबर होगा वो बिगेस्ट होता है, ओके। जो नंबर्स हमें गिवन हों, जो हमें दिए गए हों, और उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ओके। अब जैसे ये हमारे पास नंबर्स हैं, ये 1, 2, 3, 4 नंबर्स हैं, उनको देख लें कौन सा है, 33 है, 28 है, 36 है, 19 है। अब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन सब में से छोटा नंबर कौन सा है। 10 जिसका सबसे छोटा होगा, जिसके 10 सबसे छोटा वो सबसे स्मॉल नंबर होगा, जिसका 10 और 1 बड़े होंगे तो वो सबसे बिगेस्ट नंबर होगा। हाँ जी, स्मॉलेस्ट नंबर देखें सब, ये 19, ये 9 जो स्मॉलेस्ट नंबर है, देखें सर्कल दी स्मॉलेस्ट नंबर, सर्कल करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सर्कल करना है, और जो बिगेस्ट नंबर है आपने उसको क्या करना है, टिक करना है। तो देख लें 33 भी छोटा है, 28 छोटा है, अब 36 बड़ा है सबसे, और 19 जो सबसे स्मॉलेस्ट है। आप सब आपने ऐसे करना है कि इस लाइन में सबसे पहले बिगेस्ट को टिक कर लेना है, इस लाइन में से सबसे पहले बिगेस्ट को टिक कर लेना है। जैसे इस लाइन में सबसे बड़ा कौन सा है, 100, इसको टिक कर लिया। इस लाइन में सबसे बड़ा कौन सा है, 100, आपने उसको टिक कर लिया। इस लाइन में सबसे बड़े को टिक कर लेना है, इस लाइन में सबसे बड़े को टिक कर लेना है, ओके। फिर आपकी मिक्सिंग नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, हमने बिगेस्ट नंबर्स को तो टिक कर लिया, अब सर्कल स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सब में से छोटा है ना, अब हमने उसको सर्कल करना है। इस लाइन में से देखें कौन सा स्मॉलेस्ट है,
80, 100, 40, 60, कौन सा स्मॉलेस्ट है? 40, इसको सर्कल कर दें, ओके? इस लाइन में कौन सा स्मॉलेस्ट है? ये 90 की लाइन में ज़्यादातर है, तो जो 80 की लाइन में है ये स्मॉलेस्ट है, इसको आप सर्कल कर दें। इसी तरह ये जो सबसे बड़ी आप उन्हें टिक कर दें, और जो सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट नंबर है आपने उसको क्या करना है, सर्कल कर देना है। यस, अब हमारा जो है नेक्स्ट है ये आपका मतलब बिफोर आफ्टर बिटवीन, ये अच्छी तरह आपने करने हैं। और ये आपको नंबर्स आज का बेटा जो है ना ये सारा काउंटिंग से रिलेटेड है, आपके 1 से लेके 100 तक काउंटिंग में से ये सब कुछ आएगा। आपको 1 से 100 तक काउंटिंग आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, कौन सा नंबर इससे बिफोर आएगा, कौन सा नंबर आपके इसके आफ्टर आएगा, कौन सा नंबर जो इसके बिटवीन आएगा, बिगेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ओके? ये मतलब आपको काउंटिंग 1 से 100 तक आती है, तो आप इंशाल्लाह ताला आपको इस सब की अंडरस्टैंड आपने यकीन ये लेक्चर कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो देखें पेज नंबर 42 पे है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत मज़े का है, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग से इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे जो हमारा लेक्चर है। ये ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, 1 क्लास में ये फर्स्ट टाइम है, तो बच्चों के लिए ये एक न्यू टॉपिक है ग्रेटर देन और लेस देन। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर इसका ये अंडरस्टैंड करवाऊंगी, आज हम फिलहाल बुक से ही मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट वगैरह दे देती हूँ कि ग्रेटर देन और लेस देन है क्या। लुक एट दिस हंग्री क्रोकोडाइल्स माउथ, ये एक हंग्री क्रोकोडाइल है, इसका ज़रा माउथ देखें, उसका ज़रा ये शेप देखें, ओके? ये हंग्री क्रोकोडाइल है, ही इज़ वेरी वेरी हंग्री, क्रोकोडाइल को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। हिज माउथ इज़ ओपन वाइड, वो देखे अपना माउथ कितना ओपन कर रहा है, ठीक है, माउथ फिर उसका अब यहाँ पर देखे अब वो कितना ओपन कर रहा है, उसे बहुत भूख लगी हुई है। आपको जो भूख लगती है, आप भी तो खाना मांगते हैं ना, खाते हैं ना, तो मतलब जिस चीज़ को भूख लगती है हर कोई मतलब खाना मांगते हैं, और हमें ये होता है कि हमें ज़्यादा मिले, कभी भी हमें ये नहीं होगा कि हमें कम मिले। अपने बहन भाइयों में जब आप कोई चीज़ खाते हैं आपको होगा पहले मुझे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मदर जो होती है इक्वल क्वांटिटी में देती होती है। बट ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट है उसमें आपका ये जो है इसमें हमने ज़्यादा की तरफ रुझान करना है। ही हैज़ 3 फिश ऑन 1 साइड, क्रोकोडाइल के जो मतलब माउथ के आगे एक साइड पे उसकी 6 फिश है, 6 फिश ऑन दी अदर, एक साइड पे उसके 3 फिश है और दूसरी साइड पे आप उसके 6 फिश है। सो ही गोज़ फॉर दी 6 फिश। अब आप खुद ही बताएं हंग्री क्रोकोडाइल किसको खाएगा, ज़्यादा को खाएगा ना, 3 फिश को तो वो देखेगा भी नहीं, वो कहेगा मुझे ज़्यादा भूख लगी है तो मैं तो ये ज़्यादा को ही खाऊंगा। आपको भी अगर कैंडीज़ वगैरह दी जाए तो आप भी कहेंगे आपने 3 लेनी है कि 6, तो आप कहेंगे हमें 6 ही मिले, ज़्यादा हर कोई मांगता है। ही वांट्स मोर फिश टू ईट, वो मोर फिश टू ईट, वो ज़्यादा मांगेगा, ओके? ये देखें उसने वाइड माउथ ओपन किया हुआ है। लुक एट द शेप ऑफ हिज माउथ, अब उसके माउथ की ज़रा शेप हो उसे देखें, ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का साइन है, ये जो है, ओके? ये जो उसने माउथ ओपन किया है। वी यूज दिस शेप इन मैथ्स एज अ साइन और सिंबल, ये जो शेप इसने बनाई हुई ना ये वाली, ये है ग्रेटर देन का साइन, ओके? ग्रेटर देन का साइन। वी यूज़ दिस शेप इन मैथ्स, हम इसको एज अ सिंबल एक निशानी के तौर पर हम एक साइन रखेंगे कि ये ग्रेटर देन का साइन है। राइट 6 ग्रेटर देन एंड रीड एज 6 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है? अब देखें 6 ग्रेटर देन ना 3 से, 6 बड़ा है ना, दोनों नंबर्स में से जो नंबर बड़ा होगा आपने उसकी तरफ माउथ ओपन कर देना है, जैसे ये 6 ग्रेटर देन 3, 6 बड़ा है ना, जो नंबर बड़ा होगा आपने उसके भी उसकी तरफ ये फेस ओपन कर देना, माउथ ओपन कर देना, ओके? उसे रीड करना 6 इज़ ग्रेटर देन 3, और 3 क्या है, लेस देन है, 3 जिसकी तरफ ये बैक आ जाती है ना ये लेस देन वो नंबर होता है, ओके? और इसे रीड करेंगे कि 3 इज़ लेस देन 6, बट हम फर्स्ट नंबर को ज़्यादा करते हैं कि 6 इज़ ग्रेटर देन 3, ओके? अब दूसरा है नेक्स्ट पेज पे हमारे पेज नंबर 43 पे ग्रेटर देन और लेस देन का जो टॉपिक है, तो उसमें अब आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपके सामने 2 नंबर्स दिए गए हुए हैं, लुक एट दीज नंबर, आप उन नंबर्स को देखें, अब दोनों नंबर्स में से जो बड़ा होगा आपने उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन करना है, ओके? इन बॉक्सेस में आपने राइट करना है। अब देखें 12 बड़ा है कि 19, जो दोनों नंबर्स में से बड़ा है देख लें कौन सा बड़ा है, 12 है कि 19 है ना, यस, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी तरफ माउथ ओपन करेंगे 19 की तरफ, ओके? 11 बड़ा है, 11 बड़ा है कि 10, यस 11 बड़ा है तो 11 की तरफ माउथ ओपन कर दिया। 12 बिगेस्ट नंबर है कि 1, जो बिगेस्ट दोनों में से जो बड़ा होगा उसकी तरफ आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ओके? या आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि बाद बच्चों को इसका साइन नहीं लगाना आता होता है। अब 20 ग्रेटर देन है कि 0,
दोनों में से कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है ना, तो फिर हम ग्रेटर देन का माउथ जो फेस का फेस ओपन करेंगे, ग्रेटर देन का साइन जो हम लगाएंगे ना, तो वो बड़े नंबर की तरफ। यहाँ तक का आपका पेज नंबर 43 तक का वर्क है। क्या वर्क करवाया है आप? ग्रेटर देन लेस देन का ये ज़बरदस्ती इंटरेस्टिंग से इसका है कि जो इसका माउथ होगा वैसे ही आपका ग्रेटर देन का साइन होगा, और ये आपके बिफोर आफ्टर और बिटवीन है। बेटा अच्छी तरह इस लेक्चर को देख के आपने अच्छी तरह से ये सॉल्व करके आपने मुझे चेक करवाना है। थैंक यू सो मच बेटा।